माहौल तो मैं भी तो शाम से लेकर अभी तक कमरे में था, तो माहौल तो अभी देख रहा हूँ मैं। अब स्टेज पे क्या होगा भगवान श्री राम जी जाने और भोलेनाथ जी जाने, और यहाँ पे जितने भी यहाँ के वासी निवासी है, मेरा सबको मेरी तरफ से प्यार सत्कार, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आज आप सबके सामने गाने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का श्री भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करता हूँ, और संस्कृति मंत्री भगत सिंह जी का जिन्होंने आप सबके सामने मुझे आज गाने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। और बस शाम को देखते हैं क्या। आपकी काफी एल्बम आई है, भगवान राम को, भगवान श्याम को, चाहे राधा की हो, आज रायगढ़ में रामायण का महोत्सव हो रहा है, क्या नया? देखो मैं नया मेरे लिए मैं भोलेनाथ जी का गुणगान करूंगा, और आप सबका प्यार चाहिए मुझे, ऐसा नहीं कि मैं गा रहा हूँ आप चुपचाप बैठे हैं, आप सब अपना प्यार देंगे तो मैं और अच्छे से करूंगा, और आप सबका प्यार चाहिए। बाबा अरण्यकांड में भोले जी का क्या रोल रहा? हाँ जी, अरण्यकांड में भोले जी का क्या रोल रहा? इस बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा आपसे, अभी मेरे को दिख भी नहीं रहे आप सामने, ये कहाँ है आप मेरा मतलब यहाँ पे परीक्षा लेने आए हुए आगे ये? हाँ जी, तो जरूरी थोड़ी ना कि मैं भोले की सारी बातें आपको सुनाऊं। मैंने सब पढ़ा है, सब पढ़ा है, परंतु मैं इतना जरूरी नहीं समझता कि इस बात को मैं आपके सामने रखूं। परीक्षा थोड़ी देर है जी, चलिए चलिए, पूछिए पूछिए। बहुत अच्छा लग रहा जी, अभी बड़ा अच्छा लगा जब मैं क्वेश्चन गया, परंतु मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट बन के आया हूँ, मेरा टीचर है, ऐसा लग रहा है। भोलेनाथ जी का गुणगान करूंगा और राम जी का गुणगान करूंगा। पहली बार इतना बड़ा महत्व हो रहा है पूरे इंडिया स्तर पे, आप जैसे कलाकार शिरकत कर रहे हैं, इस प्रकार के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए आप एक बड़े कलाकार होने के नाते क्या सोचते हैं कि इस प्रकार के कलाकार को सरकार महत्व दे, स्टेज दे, ताकि और लोग समझे? मैं देखो जरूरी नहीं कि आप बाहर से कलाकार लाइए, आपके क्षेत्र में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार होंगे, तो अगर वो अपनी संस्कृति को ऊपर ले जा रहे हैं, धर्म को ऊपर ला रहे हैं, तो आप उनको मौका दीजिए, जरूरी नहीं कि बाहर से मंगाए, आप अपने क्षेत्र के सभी कलाकारों को भी मौका दे सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं भोलेनाथ जी का गुणगान कर रहा हूँ, अब लोग बोलते हैं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो जरूरी ये नहीं है कि मैंने वो स्टार्ट किया था, वो मुझसे करवाया गया, महादेव ने करवाया, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, करवाने वाले प्रभु बैठे हैं। मैं अपनी तरफ से यूथ को बताना चाहूंगा कि जितना हो सके भक्ति लाइन में जुड़िए, प्रभु का नाम लीजिए और माता पिता की सेवा करिए। अगर आप भक्ति में तो जुड़ गए परंतु अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, तो इससे कोई फायदा नहीं है भगवान को बनाने का। भजन का चयन जी, देखो मैं अपने गाने लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, अब वो कैसे चयनित होते हैं, लोग इतना प्यार करते हैं, तो उनको प्यार मिलता है, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा चयन करता हूँ। देखो भगवान सबका है, रैप करने वाले का भी भगवान है, वो अपने तरीके से रैप करके भगवान को पूज रहा है, मैं गाने गा के मतलब अपने तरीके से कर रहा हूँ, हर एक बंदे का ऐसा तो है नहीं कि किसी का कॉपी राइट है भगवान के ऊपर, सबके भगवान है, हर एक इंसान का अपना तरीका है भगवान को रैप करने का। देखो अब मैं इस बारे में मैं क्या हूँ, क्योंकि रिमिक्स भी चल रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना टेस्ट है, कुछ क्लासिकल सुनता है, कुछ सेमी क्लासिकल, कुछ रिमिक्स, कुछ रैप, तो हर एक इंसान का अपना जॉनर है और अपने गाने का तरीका है, और सभी का अपने अपने सुनने का तरीका है। मंत्रों से सृष्टि का मतलब आपको पता है कि मंत्र एक ऐसी चीज है, अगर हम उसको पूरे, ऐसा नहीं कि हम बाहर से गुणगान कर रहे हैं मंत्र का, अंदर से भाव हमारे बिल्कुल गलत है, तो वैसे ना, अगर भाव भी अच्छे और मंत्रों का उच्चारण भी अच्छा हो तो भाई पॉजिटिव रहेगी हमेशा। देखो जी मैं तो हो नहीं था, भगवान ने करवा दिया, मैं 2013 से स्टार्ट किया अपना करियर का, मतलब गाने बनाना शुरू किया, और पहला गाना मेरा भोलेनाथ जी का ही थे, और वैसे वैसे चलते चलते आगे आप लोगों का प्यार मिला और भोलेनाथ जी की कृपा रही, और सब गाने के अलावा अध्यात्म में क्या देखते हैं? इतनी नॉलेज मैं नहीं रखता, गुरु जी ने यहाँ से बेसिक क्वेश्चन किया था कि आप अध्यात्म के बारे में बताइए, इतना गोभी गति भी नहीं हूँ मैं, ना ही मैं इतनी पूजा पाठ की विधि जानता हूँ, परंतु मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, बाहर से भी और अंदर से भी, जो मैं गाता हूँ वो मेरे अंदर से भाव है।
बस इतना हो जाता हाँ जी। लटा मेरी जब छोटा था तब थी, फिर कटवा देते हैं। हमारे वहाँ रीति रिवाज होते हैं कि गांव में जब हम स्कूल जाते हैं कुछ 5 साल के बाद 6 साल के बाद कटवा देते हैं, तो उससे पहले थी फिर कटवा दी थी माता ज्वाला जी के पास। फिर जब मैं कॉलेज में गया तो बढ़ाने लगा, तो बढ़ाने लगा तो फिर अपने आप नेचुरली होने लगा। टीवी के जो टैलेंट शो होते हैं, हाँ, मतलब लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जाता है, टॉप पर पहुंचा जाता है, लगता है कि कहीं खो गए हैं। मैं उनको अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि आप कॉपी मत करिए किसी के गाने। अच्छा है आप सबको रिस्पेक्ट दे रहे हो, बड़े सिंगरों के गाने गा रहे हैं, परंतु वो दो थोड़े दिन चलेंगे। अगर आप अपना क्रिएट करोगे, अपनी कंपोजिशन, अपने लिरिक्स बनाएंगे तो वो सदा बहार रहेंगे। तो वैसा करिए, अगर वैसा करेंगे तो आप कभी भी लुप्त नहीं होंगे। और यहाँ सदा के लिए कोई नहीं रहा है, सब आते हैं जाने के लिए। होने चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। मैं तो नहीं गया किसी शो में, परंतु अगर अपने आप खुद टैलेंटेड लोग हैं तो अच्छी मतलब प्लेटफॉर्म है इंडिया में, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब है। मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैं, मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो मैं यूट्यूब पे ही अपने गाने डालता हूँ, लिखता कंपोज करता हूँ, बस वहीं से लोगों का प्यार मिलता है। एक मैंने सनी देओल के लड़के की मूवी पल पल के पास में गाना गाया था, आधा भी ज्यादा। अभी अक्षय कुमार जी की मूवी आ रही है ओ माई गॉड, उसमें मेरा टाइटल सॉन्ग है। मेरे पापा जी गांव में जैसे होता ना जागरण करते थे, छोटे छोटे जागरण, और मेरे पापा लकड़ी का काम करते थे, और थोड़ा वैसे ही मैं उस मतलब माने कि मैं बहुत बड़े म्यूजिक के पीछे से मैं बैकिंग में है तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कृपा थी और मेरे माता पिता के संस्कार थे जिन्होंने मुझे यहाँ पर पहुँचा। हाँ जी, जो मैंने बनाया अभी तक वो मेरे सारे पसंदीदा है। ये फीलिंग्स होती है भाई, इसको मैं कैसे जाहिर करूं कि वो मैं कैसे बताऊं। अब महादेव, जब आप महादेव से ज्यादा प्यार कर रहे हो तो आप हंसोगे नहीं, आप रोओगे। चलो मैं किसी भी गाने की गा लेता हूँ। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझसा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जा रहा हूँ। शिव समार है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। इस भजन में आपने शिव जी से भी तुलना की है, जब आप गोप सिधार जाते हैं तो शिव जी आपको जिंदा करते हैं, इससे क्या तुलना की आपने, आपने शिव जी को अपने आप से जोड़ा? एक कहानी आपने सुनी होगी, परंतु वो मैंने कहानी इस मूवी में दर्शाई, इस गाने में दर्शाई है, तो वो एक कहानी अलग साइड है। परंतु मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा घटित हुआ है कि जहाँ पे मतलब बिल्कुल ऐसा था कि डूब जाऊंगा, वहां पे मैं तर गया हूँ, तो वो भोलेनाथ की कृपा। किस बारे में? बहुत किस्से है, पूरी जिंदगी ऐसी है। क्या क्या बताऊ, बहुत है, बहुत है। मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ और मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ कुछ भी छत्तीसगढ़ के बारे में, परंतु मैं जब भी यहाँ पे आया हूँ 4-5 बार आया हूँ, मेरे चाहने वालों का बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिला है। तो मैं आज उम्मीद करूंगा कि आज शाम को भी मुझे वो ही प्यार मिला यहाँ पे। हाँ, आज मुझे यहाँ पे होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ, मेरा गाना है। देखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, आप मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ, मैं कहीं भी जा रहे हैं, हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, तो कहीं भी मतलब पूरे इंडिया में किसी दुनिया में चले जाओ तो ये नेचर है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम कुछ खा पी रहे हैं, गाड़ी में से बाहर फेंक रहे हैं, कहीं गंदगी फैला रहे हैं, तो ये मत देखो कि कोई देख नहीं रहा है आपको, देखने वाले परमात्मा बैठा है। तभी ऐसी भूकंप आते हैं, ऐसी स्थितियां आती है जिंदगी में पूरी, वो तहस नहस कर देती है। तो
तो मेरा मानना है कि प्रकृति ही हमारा भगवान भोलेनाथ है, क्योंकि जो एक पहाड़ बना है वो पूरा सृष्टि भगवान है। तो अगर हम उसको गंदा करेंगे तो वो कभी खुश नहीं होंगे, तो वो खुश नहीं होंगे तो फिर हम जिएंगे कैसे। जो होता था कि 10 साल पहले अगर हम चीनी भी खाते थे घर में ना, तो उसका टेस्ट अलग होता था, आज वो टेस्ट नहीं है। तो हर एक चीज बदल रही है, सब कुछ बदलेगा। अगर हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो वो हमारे खिलाफ रहेगी और बस बीमारियां फैलेंगी। भगवान राम के बारे में आप कुछ बोले, क्योंकि रामायण राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव हो रहा है और रायगढ़ में पहली बार पूरे इंडिया में, हाँ जी, क्या कहेंगे भगवान राम के लिए, जिस प्रकार उनका नाम है और राजा के रूप में होते हैं या भांजा होते हैं। श्री राम भगवान जी का मैं सबसे पहले, मेरा नाम भी रघुवंशी है, तो श्री राम भगवान जी के बारे में मैं क्या बताऊं, बच्चा बच्चा जानता है जय श्री राम। और उनके बारे में उनकी तरह पुत्र नहीं हो सकता और उनकी तरह एक राजा नहीं हो सकता, मतलब उनकी बड़ी बड़ी बातें हैं, तो आप सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं। इसके नाम का राजनीतिक प्रयोग हो रहा है, हाँ जी, क्या कहेंगे आप अपने कलाकारों में बातें। देखो अगर नाम का अधिक प्रयोग हो रहा है तो अच्छी बात है, हमारे भगवान है तो भगवान का नाम राजनीतिक प्रयोग, राजनीतिक, देखो राजनीतिक से तो परे मैं बिल्कुल कोसों दूर हूँ, मैं इस बारे में क्या बोलूं। मैं जब भी भोलेनाथ का नाम लेता हूँ या श्री राम जी का नाम लेता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि वो कौन सी पार्टी है, मैं बस उसका नाम पूरे भाव से लेता हूँ। नहीं जुड़ना चाहिए, देखो अगर भगवान को राजनीति से जोड़ेंगे तो मतलब फिर भाव क्या रह जाए, फिर तो भाव राजनीति हो रहा है ना कि नेता बनना है ऐसा करना है। नहीं, भगवान श्री राम को अगर मान रहे तो श्री राम भी तो देख ही रहे हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि हम बात कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि कौन राजनीति के भाव से जुड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी आयोजन हो रहा है, कहीं 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 राजनीति से जुड़ा जा रहा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे कोई पता नहीं। राम सबके, राम सबके है और हम सब राम के। नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने पहले भी आपको बोला कि हम नहीं, आप पूछिए हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसा कभी नहीं होगा भाई, कुछ जिंदगी में ऐसे मोड़ खोल आएगा तो कुछ भी हो सकता है। अरे हनुमान जय श्री राम।